फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिजनेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीजर्स के बारे में, जिसे हिंदी में कैंची कहा जाता है। उनके बारे में हम जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी कैंची हमें कौन सी चीज़ के लिए यूज़ में आती है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पास सबसे बड़े साइज़ की कैंची है, जिसको कैप भी आता है। ये मुझे मिलती है होलसेल में 80 रुपीज़ की, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 130 या 120 तक होती है। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कैंची होता है, ये मेड इन चाइना का कैंची है। ये मेरे पास ये और टाइप के भी है, ये आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 6 कलर्स आते हैं एक बॉक्स में, 12 पीस का ये एक बॉक्स रहता है। उसके बाद बड़ा साइज़ में ये आप देख सकते हैं, प्रिंस कंपनी का है, टेलर का सीजर बोलते हैं, यानी टेलर का कैंची है ये। ये कुछ इस तरह से रहता है, क्लासिक टॉप बोल के इस पर लिखा है। ये टेलर के काम में यूज़ में आता है। ये कैंची मुझे मिलती है 140 रुपीज़ की, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 200 या 180 रुपीज़ तक होती है। इसको हमेशा हमें धार लगाना चाहिए, तभी ये अच्छे से चलेगा, क्योंकि अभी देखिए मेरे शॉप में ही इसको गंज लग गया है, इसलिए हमें इसको अच्छे से केयरफुली हमारे शॉप में रखना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे ये रॉकेट ब्रांड की कंपनी का सीजर, जो थोड़ा बड़ा साइज़ में रहता है। ये रॉकेट एक ब्रांड है सीजर्स में, बहुत ही बड़ा कंपनी है ये, और इस ब्रांड के सारे सीजर्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के रहते हैं। ये आप मेरे पास देख सकते हैं, 7.5 इंच का कैंची है। ये भी मेड इन चाइना है, नहीं ये मेड इन चाइना नहीं है, ये जर्मन की कंपनी है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सीजर बनाते हैं ये। ये मुझे मिला था 70 रुपीज़ का होलसेल में, 12 पीस का बॉक्स रहता है ये, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 80 या 90 रुपीज़ तक होती है। ये भी हमें 4 कलर्स में अवेलेबल होता है, एक बॉक्स में 4 कलर्स और 12 पीस आते हैं। एक किचन सीजर बोल के भी इसको पहचाना जाता है, बहुत बड़ा ब्रांड है रॉकेट कंपनी बोल के। उसके बाद ये आप चाइना का और एक माल देख सकते हैं मेरे पास। ये उतनी स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अच्छी है। ये हमें 12 रुपये की एक कैंची मिलती है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 20 रुपीज़ होती है। ये थोड़ी नॉर्मली है, अच्छी है कैंची वैसे छोटे से यूज़ के लिए। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये मूछ कट करने के लिए कैंची दी हुई है। ये मुझे मिली थी 25 रुपीज़ की, जिसकी मिनिमम रिटेलिंग 40 रुपीज़ तक होती है। ये प्योर स्टेनलेस स्टील में बनी हुई कैंची है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये फोल्डेबल का कैंची है, फोल्ड कर सकते हैं आप इसको, फोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, या अभी ज़्यादा दिखना बंद हो गया है। ये मुझे मिला था 20 रुपीज़ का, बड़ा साइज़ में, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 30 या 35 रुपीज़ तक होती है। ये आप देख सकते हैं, एकदम लोकल मटेरियल में है ये। ये मुझे 20 रुपीज़ का मिला था, जिसकी रिटेलिंग 30 रुपीज़ या 35 रुपीज़ तक होती है। ये प्योरली मेड इन चाइना का माल है। उसके बाद ये और एक देख सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, 25 रुपीज़ में मुझे मिलता है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 40 रुपीज़ होती है। अच्छे क्वालिटी में है, इसकी धार भी बहुत अच्छी रहती है। फ्रेंड्स, ये भी हमें 12 पीस का बॉक्स मिलता है कुछ इस तरह से, जिसमें ओनली ब्लैक कलर है, और इसमें लेने जाएंगे आपको कलर के वैरायटीज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ी छोटा साइज़ में कैंची है, अच्छे क्वालिटी का कैंची है ये भी, जो मुझे 25 रुपीज़ में मिलता है। एक बॉक्स में 4 कलर्स रहते हैं और 12 पीस रहते हैं। ये कुछ इस तरह से बॉक्स रहता है, 12 पीस का एक बॉक्स रहता है। आप देख सकते हैं, ये छोटे पर्पज़ के लिए और एक कैंची है मेरे पास, जो एकदम धारदार है, अच्छे क्वालिटी की कैंची है ये। एक देखिए आप, ये मुझे 20 रुपीज़ की मिलती है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 30 रुपीज़ होती है। ये ज़्यादा करके स्टेशनरी यूज़ में आता है, या फिर मूछ कट करने के लिए, छोटे छोटे बालों के लिए ये काम में आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम लोकल माल है चाइना का, जो हम 10 रुपये में इसको बेचते हैं। एकदम लोकल कैंची है ये, 10 रुपीज़ में बेचने वाली। इसकी क्वालिटी भी एकदम लोकल आती है, उतनी स्टैंडर्ड नहीं आती है क्वालिटी। ये आप देख सकते हैं कैंची कैसी है, एकदम हल्के क्वालिटी का पतरा रहता है ये। इससे अगर आप एक कागज़ भी कट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये हमें मिलता है 6 रुपये का एक, यानी 72 रुपीज़ का ये पूरा बॉक्स मिलता है, जिसकी रिटेलिंग मिनिमम 10 रुपीज़ होती है। एकदम लो क्वालिटी मटेरियल रहता है ये, उतना क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल नहीं है ये। एक बॉक्स में हमें मिलते हैं 12 पीस और 4 कलर्स में ये अवेलेबल रहता है। ये हमारे पास कुछ कटर की वैरायटीज़ भी है, ये आप देख सकते हैं। ये मुझे 7 रुपीज़ का एक कटर मिलता है,
पेपर कटर बोलते हैं, हमें कुछ भी अगर बॉक्स कार्टून हो उसका सील ओपन करना होगा तो इसका यूज़ होता है। यह हमें 7 to 8 रुपीज़ का मिलता है, जिसकी रिटेलिंग 10 रुपीज़ कंपलसरी होती है। ये देख सकते हैं आप, ये फॉक्स कटर बोलते हैं, 18 mm का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का कटर है ये। इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग कराते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसमें इससे और बड़ा साइज़ लेने जाएंगे तो इससे बड़ा साइज़ भी अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरह से रहता है। ये मुझे मिला था 25 रुपीज़ में, जिसकी रिटेलिंग 30 या 35 रुपीज़ होती है। बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो था आपको शीज़र्स और कटर की वैरायटीज़ के बारे में बताने का, कि ये कितने टाइप के होते हैं, कौन सा शीज़र हमें कितना पैसा में मिलता है, कौन सी कैंची हमें कहाँ पर यूज़ में आती है, इनके बारे में बताने का। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।